हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं अनकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। यानी आज अगर मैं आपको देखूं तो आपको याद होगा बच्चे, हम लोगों ने मीटर्स पढ़ा। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नॉन मीटर्स। क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? मेरी आवाज़ आ रही है? मैं दिखाई पड़ रहा हूं बच्चे? अगर मेरी आवाज़ आ रही है, दिखाई पड़ रहा हूं, तो थंब दिखाना कि सर बिल्कुल आपकी आवाज़ प्रॉपर तरीके से आ रही है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ ना, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिससे मैक्स टू मैक्स मैक्सिमम सवाल बनते हैं। तो हमने मेटल्स कल पढ़ा, आज बारी है नॉन मेटल्स की, अधातु की। देखते हैं कि अधातु के बारे में क्या ख्याल है, कैसे कैसे सवाल बनेंगे, और अधातु कहते किसको हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या है मेटल्स और नॉन मेटल्स में। इन क्लास शुरू करने के पहले फिर से मैं बता दूं कि देखो, आज है 21 तारीख, 21 अक्टूबर, और 2 दिन बाद ज्योग्राफी का बैच शुरू हो रहा है, 24th अक्टूबर। तो अगर आपने ज्वाइन किया है तो आपको टाइम पता है, दोपहर 12 बजे हम लोग जुड़ते हैं प्लस पे। और अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो अभी भी ऐसा नहीं, कुछ नहीं हो सकता, 30 से 40 दिन आपके पास हैं। और इस 40 दिनों में बिल्कुल जीएस पानी की पानी कर देंगे, क्योंकि मैंने जो हिस्ट्री पढ़ाया है वो रिकॉर्डेड मिल जाएगा, पॉलिटी पढ़ाया वो रिकॉर्डेड मिल जाएगा, और नवंबर के महीने में साइंस और फिर स्टैटिक जीके दोनों लेकर आ रहे हैं आपके लिए, जो बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जब भी ज्वाइन करने का मन हो, रेफरल कोड बावर्टिन जरूर यूज करें। इसके अलावा अगर आपको लगता है सर मैं साइंस में ज्वाइन करना चाहता हूँ, एसएससी फाउंडेशन कोर्स में ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो आप ये बैच अवेल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो फाउंडेशन कोर्स, क्योंकि हमारा टारगेट है 2021 में जो एग्जाम कंडक्ट करेगा एसएससी, चाहे वो एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, सारा का सारा कवर करेंगे इस बैच से। ठीक है बच्चे, देखो मेटल्स में मैंने बताया कि मेटल्स क्या है, ठोस है, चमक है, जस्ट अपोजिट धातु के विपरीत गुण वे अधातु कहे जाएंगे। तधातुएं कमरे के तापमान पर या तो ठोस होगा या गैस होगा, कमरे के तापमान पर या तो ठोस होगा या तो गैस होगा। ब्रोमीन कमरे के तापमान पर एकमात्र तरल अधातु है। ब्रोमीन, जैसे पारा याद करिए, मैंने कल वाला पढ़ाया, मरकरी, पारा, HG, कमरे के तापमान पर तरल लेकिन ठोस है, सॉलिड है, तो वैसे ही ब्रोमीन कमरे के तापमान पर एकमात्र तरल अधातु है, लिक्विड नॉन मेटल है। अगर मैं फीचर्स की बात करूं ना, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होंगे, मुलायम होंगे, फास्फोरस इतना नरम है कि चाकू से काटा जा सकता है। अब देखो एक क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। हम लोग कहते हैं कौन सा धातु है, तो पोटेशियम धातु है जो चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम धातु है जो चाकू से काटा जा सकता है। लेकिन अगर अधातु की बात करें बच्चे, तो फास्फोरस इतना सॉफ्ट है कि चाकू से काटा जा सकता है। कार्बन, ये भी नॉन मेटल है। अब सोचो, हीरा एलोट्रॉप है कार्बन का, एक अपरूप है और सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है। ठीक है बच्चे, अधातुओं में कम तन्यता ताकत होती है। नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, दैट मींस ये मजबूत नहीं होंगे, आसानी से टूट जाते हैं। अधातुएं गैर चमकदार होंगी, लेकिन एक्सेप्शनल आयोडीन चमक है, आयोडीन में चमक है, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। ये विद्युत का, ऊष्मा का कुचालक होंगे, अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होंगी, लेकिन एक्सेप्शनल अपवाद ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत के सुचालक है। अधातुओं में आमतौर पर कम घनत्व होता है, लो डेंसिटीज होते हैं। क्लियर बच्चे, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो थंब दिखाना सर बिल्कुल क्लियर, एक एक चीज। ठीक है, अब हम नॉन मेटल्स का यूज कहां करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करें, जो आयतन के हिसाब से 21% है हमारे वायुमंडल में, श्वसन प्रक्रिया में मदद करती है। अस्पताल में अगर देखोगे बच्चे, तो ऑक्सीजन, संपीड़ित ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का उपयोग किया जाता है, कंपेयर्ड ऑक्सीजन गैस, कंप्रेस्ड ऑक्सीजन गैस, संपीड़ित ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। हम लोग जो सी ड्राइवर्स है, गोताखोर है, वो भी यूज करता है हीलियम के साथ मिलाकर, हीलियम के साथ मिलाकर, है ना। क्लोरीन ब्लीचिंग पदार्थ के रूप में दाग और रंग के धब्बे हटाने में उपयोगी है, और पानी के शुद्धिकरण में भी मदद करता है क्लोरीन, पानी को शुद्ध करने में मदद करता है क्लोरीन। वही फ्लोरीन
फ्लोरीन पानी को अशुद्ध करता है, पानी को अशुद्ध करता है। हीलियम का प्रयोग वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए अक्रिय गैस के रूप में करते हैं, इसका उपयोग मौसम के गुब्बारों में भी करते हैं हीलियम का। पहले याद होगा आपको कि टायर जो है वायुयान का टायर में यूज किया जाता था हीलियम को, लेकिन अब नाइट्रोजन यूज होता है। ठीक है बच्चे, आयोडीन हाइलोजन है नॉन मेटल से, गले के संक्रमण में मदद करता है और घाव और कटने पर एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाता है। उर्वरकों में नाइट्रोजन होता है या पौधों की वृद्धि में मदद करता है। ठीक है, और नाइट्रोजन सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाया जाने वाला गैस 78%। फास्फोरस का उपयोग पौधों की वृद्धि के लिए भी किया जाता है, ये कई बार सवाल आया है एग्जाम में। ठीक है, आतिशबाजी में सल्फर और फास्फोरस का भी उपयोग करते हैं। फायरवर्क्स जो होता है, पटाखे जो होते हैं, उनमें सल्फर और फास्फोरस का भी उपयोग किया जाता है। आइए अब कुछ MCQ देख ले बच्चे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले मेलाकाइट, मेलाकाइट इज अ मिनरल। मेलाकाइट क्या है जल्दी? MgCuAlFe। मेलाकाइट इज अ मिनरल ऑफ CU। मेलाकाइट क्या बच्चे? तांबा का एक खनिज है, तांबा का एक खनिज है, याद रहेगा किसका? तांबा का एक खनिज है। तो मेलाकाइट एक हरा तांबा कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड खनिज है, जिसमें रासायनिक संरचना CuCO3OH2 है। यह तांबे धातु का उत्पादन करने वाले पहले अयस्कों में से एक था। अगर मैं कॉपर के ओर की बात करूं ना, ये देखो चालकोसाइट, कोवेलाइट, ब्रोनाइट, ये सब के सब क्या है? ओर है। किसके? कॉपर के, तांबा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नियॉन। सवाल नंबर दो क्या होगा? जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग करते हैं, जरा बताइए कमेंट बॉक्स में। क्लोरीन का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, नियॉन का। सवाल नंबर दो क्या होगा? तो जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए क्लोरीन का यूज करते हैं। अरे सीधा सा बात है, जो कुआं में ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, क्लोरीन का तो भाग होता है ना, अंश होता है ना, पता वही तो बताना था। अ मिक्सचर ऑफ गन पाउडर, बारूद का मिश्रण, क्या होता है बारूद में? नाइटर, सल्फर और चारकोल। सल्फर बालू और चारकोल, TNT और चारकोल, बालू और TNT। जल्दी सवाल नंबर तीन, अ मिक्सचर ऑफ गन पाउडर इज, बारूद का मिश्रण होता है, किसका मिश्रण होता है बारूद? किसका मिश्रण होगा बारूद? बारूद मिश्रण होता है बच्चे नाइटर, सल्फर, चारकोल का मिश्रण होता है, गन पाउडर यानी बारूद, गन पाउडर यानी बारूद। ठीक है, पहला रासायनिक विस्फोटक, द फर्स्ट केमिकल एक्सप्लोसिव गन पाउडर था, सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण है। सल्फर और चारकोल जहां ईंधन के रूप में कार्य करते हैं, जबकि लवण एक ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजर है। क्या है? ऑक्सीडाइजर है, ऑक्सीकारक है। ठीक है, याद रखना पहला रासायनिक विस्फोटक क्या था? गन पाउडर था, एक्सप्लोसिव पहला गन पाउडर। ब्रास गेट्स फेड कलर इन द एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी उपस्थिति के कारण पित्तल का रंग हवा में फीका हो जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। याद रखना कि इस महीने के बाद फिर से आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि केवल रैपिड फायर चलेगा 40 में 40। तो किसकी उपस्थिति के कारण पित्तल का रंग हवा में फीका हो जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, है ना। तो हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल रहवा में रंगहीन हो जाता है, देखो ना हरा हरा हो जाता है, ग्रीन ग्रीन जैसा लगता है, देखने बच्चे, तो वह हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होता है। किसके कारण? हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बच्चे सवाल नंबर पांच, कार्बन मोनोऑक्साइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड या सिल्वर नाइट्रेट। सवाल नंबर पांच क्या होगा जल्दी?
विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? क्या होगा? तो कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए हम सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं। आर्टिफिशियल रेन प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चे? सिल्वर आयोडाइड करते हैं। कार्बन मोनोक्साइड, ये विषाक्त गैस है, विषैली गैस है, ये कार्बन मोनोक्साइड है ना, ये समझते हैं। देखो सिल्वर आयोडाइड तो अभी देखा, AgI कृत्रिम बारिश आर्टिफिशियल रेन, AgCl सिल्वर क्लोराइड, हॉर्न सिल्वर यानी कहते बच्चे हॉर्न सिल्वर क्या, ये सिल्वर का चांदी का ओर है, अयस्क है। जिंक फॉस्फाइड Zn3P2 चूहा जहर, चूहे को मारने वाले जहर में जिंक फॉस्फाइड होता है। जिंक ऑक्साइड फिलोसफर्स ऊल कहते हैं इसे, दार्शनिक ऊन, और सिल्वर नाइट्राइड फोटोग्राफी में यूज करते हैं, HNO3 है ना। इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट मानते हो नहीं मानते हो बताओ, तो बीच में लाइक कर सकते हो अगर सेशन पसंद आए, समझ में आए तो। हाउ मच परसेंटेज ऑफ कार्बन डज स्टील कंटेंट्स, स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? 0.1% टू 1.5%, 0.7 टू 1%, 1 to 5% या 0%, स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? आपको पता है कार्बन क्यों मिलाया जाता है स्टील में? मजबूती प्रदान करने के लिए हम कार्बन मिलाते हैं, तो कितना परसेंट कार्बन मिलाएंगे? 0.1% टू 1.5% स्टील में कार्बन होता है। कार्बन क्यों मिलाते हैं? मजबूती के लिए, और स्टील में जंग ना लगे इसीलिए हम क्रोमियम से, क्रोमियम के परत चढ़ाते हैं, क्रोमियम का परत चढ़ाते हैं, बिल्कुल ज्यादा जैसे लोहा में जस्ता का परत चढ़ता है वैसे ही क्रोमियम का परत चढ़ता है स्टील में, इस्पात में। तो स्टील में शामिल कार्बन 0.1 to 1.5% तक हो सकता है, लेकिन स्टील के सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले ग्रेड में केवल 0.1% to 0.25% कार्बन होगा। मैग्नीज फास्फोरस और सल्फर जैसे तत्व स्टील के सभी ग्रेड में पाए जाते हैं, जबकि मैग्नीज लाभकारी प्रभाव प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है, फास्फोरस और सल्फर स्टील की ताकत और स्थायित्व के लिए हानिकारक है, जबकि मैग्नीज बेनिफिट है। विच ऑफ दीज कंसिस्ट ऑफ कार्बन, इनमें से किसमें कार्बन होता है? लिग्नाइट है, टीन है, आयरन है, या ऑल ऑफ दीज, इनमें सभी, इनमें से किसमें कार्बन होता है? लिग्नाइट, टीन, लोहा या ऑल ऑफ दीज, क्या होगा? सिंपल सा निकालना था आपको, कोयला क्या है, कार्बन का परसेंटेज है, तो लिग्नाइट क्या है, पर कोयला तो है, याद करो ना ट्रिक, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, सबसे निम्न ग्रेड का कोयला पीट, लिग्नाइट को ब्राउन कोल कहेंगे तमिलनाडु में सबसे ज्यादा, एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा, सिंपल सोलो था बच्चे। तो कोयला खनिजों को मुख्य रूप से कार्बन, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट के प्रतिशत के आधार पर चार प्रकारों में विभाजित किया गया है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया बताया। विच लुब्रिकेंट इज यूज्ड फॉर हैवी मशीन्स, भारी मशीनों के लिए किस स्नेहक का उपयोग किया जाता है? बॉक्साइट, फास्फोरस, ग्रेफाइट या सिलिकॉन वॉयल, सवाल नंबर 8। जो भारी मशीन है, लुब्रिकेंट मतलब क्या होता है, आसानी से वो चलेगा, मूव करेगा, तो कौन सा लुब्रिकेंट यूज करते हैं? बॉक्साइट, फास्फोरस, ग्रेफाइट, सिलिकॉन वॉयल, क्या होगा? ग्रेफाइट यूज करते हैं, तो ग्रेफाइट का यूज हम लुब्रिकेंट के रूप में यूज करते हैं भारी मशीनों के लिए। ठीक है बच्चे, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है, ग्रेफाइट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट ग्रीस का उपयोग औद्योगिक और ऑटोमोटिव मशीन को लुब्रिकेट करने में, चलाने में यूज किया जाता है। ठीक है, माफी चाहेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों ग्रीन हाउस गैस कहेंगे, क्या कारण है ऐसा? इसकी एकाग्रता अन्य गैसों की तुलना में हमेशा अधिक है, इसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण में करते हैं, या अवरक्त विकिरण को अवशोषित करता है,
या दृश्यमान विकिरण का उत्सर्जन करता है। आराम से पढ़ना, बिल्कुल समय दे रहे हैं। क्यों कहेंगे? क्योंकि यह अवरक्त विकिरण को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है। पता है ग्रीन हाउस गैस हमारे लिए बेनिफिट है थोड़े देर के लिए, क्यों? छुचू, ये वायुमंडल है बच्चे, यहाँ से सूरज से निकला किरणें, अब यहाँ निकली और जैसे निकलेगी ये वापस चली जाएगी वो रिफ्लेक्शन से। तो अगर ये वापस चला जाएगा, ग्रीन हाउस गैस नहीं होगा, तो हमेशा पृथ्वी का टेम्परेचर माइनस में रहेगा और हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो ग्रीन हाउस गैस क्या होता है ना, डेंस कर देता है इसको, घना हो जाता है, जिससे जितनी मात्रा में आती है सूरज किरणें उतनी मात्रा में ये वापस जा नहीं पाता है। इसलिए ग्रीन हाउस गैस बेनिफिट है, या अवरक्त विकिरण को अवशोषित करेगा, इस कारण से टेम्परेचर और गर्म हो जाता है, और गर्म हो जाता है। मीना का जलवा याद होगा, ग्रीन हाउस गैस में मीथेन N2O, जलवाष्प, ओजोन, है ना, CH4। आजकल पीले लैंप का उपयोग अक्सर स्ट्रीट लाइट के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित गैसों में से किसका उपयोग इन लैंपों में होता है? यानी सीधा सा मतलब है बच्चे कि जो येलो लैंप है ना, उस येलो लैंप में, जो स्ट्रीट लाइट में, हम किस गैस का यूज करते हैं? सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? क्या होगा सवाल नंबर 10। तो आपको याद होगा आजकल पीले लैंप का उपयोग अक्सर स्ट्रीट लाइट के रूप में करते हैं, किस गैस का उपयोग होता है वहां? सोडियम लाइट बोलते हैं उसे। नियॉन का यूज करते हैं एडवर्टीजमेंट बोर्ड में, नियॉन का यूज किया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल फर्टिलाइजर, कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? सवाल नंबर 11, यूरिया, सोडियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट या पोटेशियम नाइट्रेट, कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरक नहीं है, समझ रहा क्वेश्चन? सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक नहीं, जबकि लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला यूरिया है। क्या बच्चे? यूरिया है पहला, ठीक है। यूरिया, सुपर फॉस्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट रासायनिक उर्वरक है। सोडियम सल्फेट केमिकल फॉर्मूला Na2SO4 इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सोडियम सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड का सोडियम लवण है, और सोडियम सल्फेट का उपयोग रासायनिक उर्वरक के रूप में नहीं किया जाता है, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। विच इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के जलने से क्या उत्पन्न होता है? ऑक्सीजन, राख, मृदा या वाटर, क्या बनता है? जब हम ऑक्सीजन को जलाएंगे तो क्या बनेगा, सॉरी हाइड्रोजन को जलाएंगे तो क्या बनेगा? वाटर, अरे H2O रिएक्शन करेगा तभी तो। हाइड्रोजन गैस अत्यधिक ज्वलनशील है और 4 से 75% के आयतन के बीच बहुत व्यापक स्तर पर हवा में जलती है। हाइड्रोजन गैस हवा के अभाव में नहीं जल सकती है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ जलकर यह जल उत्पन्न करता है, बिल्कुल याद है, ठीक है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? व्हाट हैपेंस इज इन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, देखो दो चीजें हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कुछ ऐसे टर्म हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होगा? प्रोटॉन कम होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा, न्यूट्रॉन कम होगा, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेंगे, क्या होगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया की बात करें बच्चे, तो इलेक्ट्रॉन्स आर लोस्ट, इलेक्ट्रॉन खो देता है ये, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, इस प्रक्रिया में खो देते हैं, समझना। यदि कोई पदार्थ ऑक्सीडाइज्ड है, ऑक्सीकृत है, तो यह अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को खोता है, और जब कोई अवकरण होगा, उल्टा रिडक्शन, रिड्यूस करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा। इस अभिक्रिया को जिसमें दोनों होगा, इसमें ऑक्सीकरण और इसका अवकरण दोनों होंगे, उसे हम रेडॉक्स कहेंगे, समझ में आ गया? जिसमें इलेक्ट्रॉन को खोएगा ऑक्सीडेशन, जिसमें इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेगा रिडक्शन, जिसमें दोनों होगा उसे हम रेडॉक्स कहेंगे, क्या कहेंगे? रेडॉक्स कहेंगे, ठीक है। अब ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अवकारक कहलाता है,
जिस पदार्थ का अवकरण होगा उसे ऑक्सीकारक कहेंगे, और ऑक्सीकारक वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अवकारक वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। बिल्कुल उसी से निकला हुआ वर्ड है। अब देखो ऑक्सीकारक पदार्थ के उदाहरण क्या है, ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, देख रहे हो, नाइट्रिक अम्ल, क्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट और लेड ऑक्साइड। तो ऑक्सीकारक क्या बच्चे, फिर से समझना, ऑक्सीकारक वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे यानी ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और अवकारक जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन, हाइड्रोइक अम्ल और स्टेनलेस क्लोराइड। ठीक है। अब एक चीज है, एक सवाल पूछा है एएलपी में, आपको याद होगा अगर आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर पेपर, तो वैसे पदार्थ जो दोनों गुण दिखाते हैं ऑक्सीकारक और अवकारक का, हाइड्रोजन सल्फाइड जो पीतल को खराब करता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस अम्ल HNO2 नाइट्रस एसिड, ये दोनों की तरह भांति कार्य करता है। सभी प्रकार के विकिरण अल्फा बीटा और गामा का पता लगाने और मापने के लिए एक कोई उपकरण है, उस उपकरण को हम क्या कहते हैं, गीगर काउंटर, पायरोमीटर, कैलोरीमीटर या रेडियोमीटर। सभी प्रकार के जितने भी रेडिएशन है उसको मेजरमेंट करने के लिए, तो वो क्या होगा बच्चे, गीगर काउंटर। देखो पायरोमीटर क्या है ना, ये उच्च तापमान को मेजरमेंट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टार, जैसे एग्जांपल फॉर सन, सूरज, जबकि गीगर काउंटर क्या है, अल्फा बीटा गामा जैसे विकिरण को पता लगाता है और मापता है, मेजरमेंट करता है। गीगर काउंटर या गीगर मूलर ट्यूब कहते हैं। सभी प्रकार के विकिरण एग्जाम्पल के तौर पर अल्फा बीटा और गामा पता लगाने और मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक उपकरण है, जबकि कैलोरीमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग रासायनिक अभिक्रिया या भौतिक परिवर्तन के ताप प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है। इस ऊष्मा को मापने की प्रक्रिया को कैलोरीमीटर ही कहते हैं, कैलोरीमीटरी कहते हैं। फिर समझना, कैलोरीमीटर क्या है, जिसका उपयोग रासायनिक अभिक्रिया या भौतिक परिवर्तन के ताप प्रवाह को, टेम्परेचर फ्लो को मापने के लिए कहेंगे, और इस ऊष्मा को मापने की प्रक्रिया को कैलोरीमेट्री कहते हैं। ठीक है। रेडियोमीटर जो लास्ट ऑप्शन था, या रोंटेजन मीटर विद्युत चुंबकीय विकिरण के उज्ज्वल प्रवाह को, रेडिएंट फ्लक्स को मापने का एक उपकरण है, मुख्य रूप से अवरक्त विकिरण को मापने में इसे हम यूज करते हैं। किसे, अवरक्त विकिरण को मापने में यूज करते हैं। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन को। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ हैड बीन गिवन बाय, आधुनिक आवर्त सारणी नियम किसके द्वारा दिया गया, मेंडेलीव ने तो दिया था, ये तो पापा है केमिस्ट्री के, क्या होगा, मूसले। मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो लॉ है वो किसके द्वारा दिया गया, मूसले के द्वारा दिया गया, बिल्कुल याद रखना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अन्य नाम, ये हमें लगता है सवाल आपके लिए बिल्कुल नया होगा, क्या बच्चे ये सवाल बिल्कुल आपके लिए नया होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होगा बताओ, म्यूरिएटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है, वो म्यूरिएटिक एसिड है, बिल्कुल याद रखना, क्या होगा, म्यूरिएटिक एसिड। ठीक है, तो म्यूरिएटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक संक्षारक मजबूत एसिड के रूप में जानते हैं, इसे लवण या एसिडम सॉल्ट की आत्माओं के रूप में भी जानते हैं। म्यूरिटिक अर्थ है नमकीन या लवण से संबंधित, म्यूरिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, मजा आ गया वो सवाल देखकर। और गैलिक एसिड क्या था, गैलिक एसिड एक ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, जो एक प्रकार का फेनोलिक एसिड है, जिसमें जो कहाँ पाया जाता है, गैलन, सुमेक, विच हेजेल, चाय की पत्ती, ओक की छाल, इन सबों में पाया जाता है, एक प्रकार का आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के रूप में जानते हैं। केमिकल फॉर्मूला ये आपके सामने है। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इन नेचर, प्रकृति में जल का सबसे शुद्धतम रूप, एक मैंने पढ़ा, मैं जब पढ़ा रहा था बच्चे, तो एक बच्चा कहता सर आरओ का वाटर सबसे शुद्धतम होगा, प्योर होगा, तो प्रकृति की बात करते हैं बच्चा, आप बेटा आरओ ना
प्रकृति में नहीं है, वो मैनमेड है, आर्टिफिशियल है। तो प्रकृति में जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल है। क्या है? वर्षा का जल सबसे शुद्ध माना जाता है। तो रेन वाटर इज कंसिडर्ड द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। वर्षा जल को जल का शुद्धतम रूप मानते हैं, और पृथ्वी में पर जल में मौजूद अशुद्धता और लवण सूरज द्वारा वाष्पीकरण के दौरान पीछे रह जाते हैं। ठीक है। हालांकि पृथ्वी पर हमें मिलने वाला वर्षा जल शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि यह वायुमंडल में मौजूद अशुद्धियों और कणों के साथ को अपने साथ बाहर ले जाता है। कौन सी गैर विषैली गैस फलों को पकाने वाले एंजाइम के निर्माण में मदद करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन, इथेन या एथिलीन? क्या होगा? एसिटिलीन। क्यों? कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में मदद करता है एसिटिलीन, और एथिलीन क्या है? ये नेचुरल हार्मोन है, नेचुरल हार्मोन, याद रखना। और ये कृत्रिम से पका दिया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं एसिटिलीन को। ठीक है बच्चे। तो एसिटिलीन गैर विषैली गैसें हैं जो फलों को पकाने वाले एंजाइम के निर्माण में मदद करती है। 1935 में क्रोकर ने प्रस्ताव दिया, एक महाशय महोदय साइंटिस्ट, कि एथिलीन एक पादप हार्मोन है जो फल पकाने के साथ साथ वनस्पतिक उत्कों के जीर्णता के लिए भी जिम्मेदार है। बिल्कुल याद रखना। ठीक है, क्या होगा? एथिलीन का केमिकल फॉर्मूला C2H4 और एसिटिलीन का C2H2। देखना, ये था बच्चे आज का सेशन। उम्मीद करते हैं ये नॉन मेटल से जो कॉन्सेप्ट हैं, कुछ सवाल हैं, अच्छे बुरे सवाल, अच्छे बुरे इसलिए क्योंकि बन गया तो सर हमारे लिए अच्छे, नहीं बना तो बुरे सवाल, सर हमसे बना ही नहीं, तो ऐसा ना हो इसलिए रिवीजन करिए। ना समझ में आए तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं अकेडमी पे, 5000 प्लस सवालों की सीरीज में जो 24 तारीख से एक नया सब्जेक्ट के साथ, ज्योग्राफी के साथ शुरू हो रहा है। ज्वाइन करेंगे बाबा 10 रेफरल कोड के साथ तो बहुत फ़ायदा होगा बच्चे। इसके अलावा आप ज्वाइन कर सकते हो जनरल साइंस वाले बैच में जो SSC फाउंडेशन कोर्स चल रहा है। टाइमिंग इसकी 3 बजे है। ठीक है बच्चे, याद रखना। कैसे ज्वाइन करें? कई सारे बच्चों के दिमाग में चलता है, सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद उसे, जैसे डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद उसे ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालें, फिर 6-डिजिट OTP से वेरीफाई करें। जैसे वेरीफाई करेंगे, अपना गोल सिलेक्ट करना है यहाँ पे रेलवे एग्जाम। जैसे रेलवे एग्जाम करोगे, ऐसे ऐसे एग्जाम सर्च करोगे, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिर गेट सब्सक्रिप्शन पे करना। जैसे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे, रेफरल कोड पूछेगा कितने मंथ का, तो कम से कम 12 महीने के लिए, कम से कम रेफरल कोड बाबा 10 यूज करोगे, 5000 फी है बच्चे एक साल का। जैसे आप बाबा 10 यूज करते हो, 5000 से घट करिए कितना हो जाएगा? 4500। आपके पास कुछ क्रेडिट पॉइंट्स होंगे, उससे भी आप 10% का रिबेट उठा सकते हो। कैसे पेमेंट करें? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आपके पास है। अगर क्रेडिट कार्ड होगा तो EMI में कन्वर्ट हो जाएगा, और डेबिट कार्ड यानी ATM होगा तो 1-time पेमेंट। रेफरल कोड बाबा 10। ठीक है बच्चे, याद रहेगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप पहली बार जुड़े हैं चैनल के साथ, स्टूडियो चैनल के साथ, तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।